लीग 2022 और 23 का 50वां मुकाबला सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर्स के बीच में खेला जाने वाला है। ये मैच इंडियन टाइम के हिसाब से 21 जनवरी 2023 को 1:35 पे शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों स्वागत है आपको सुपर प्रेडिक्शन की फिर से एक नई वीडियो में। अब चलिए दोस्तों सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के दोनों ही टीम खेले हुए पिछले कुछ मैचेस की रिपोर्ट के ऊपर नजर डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिडनी सिक्सर की बात करेंगे तो इन्होंने इस बिग बैश के सीजन में टोटल 12 मैच खेल चुके हैं। उन 12 मैच में से 8 मैच में जीत हासिल किए हैं, बाकी 3 मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है। इनका यार एक मैच ऐसा भी है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। इनका जो मैच में पॉइंट टेबल की पोजीशन है 17 नंबर में आते हैं, मतलब के ऊपर की पायदान की प्लस की 17 नंबर में आते हैं। बाकी यहाँ पे सिडनी थंडर्स की बात करें तो इन्होंने भी इस बिग बैश के सीजन में टोटल 12 मैच खेल चुके हैं। इन 12 मैच में से इन्होंने 6 मैच में जीत हासिल किए हैं तो, और यार 6 मैच में हारे भी हैं। इनका जो मैच की पॉइंट टेबल की पोजीशन है 10 नंबर में आते हैं, माइनस की 10 नंबर में आते हैं नीचे की तरफ से। अब दोस्तों चलिए पिच के रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। उससे पहले आपको दोस्तों रिमाइंड करवा देता हूँ, क्या आप लॉस में हैं, क्या आप टॉस सेशन मैच विनर ये सारे चीज पेड़ में लेते हैं, क्या आपको जैकपॉट मैच के लिए भुगतान करना पड़ता है, आप इन सारे चीज से परेशान है तो आपके लिए ही हमारा टेलीग्राम खुला है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉस सेशन मैच विनर फैंटेसी टीम ड्रीम इलेवन जैकपॉट मैच ये सारे चीज आपको बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा हमारे चैनल पर। अब यार देर किस बात की, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और यार हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जो भी हमारा क्रिकेट अपडेट और क्रिकेट की मैच की वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। पिच की रिपोर्ट के हिसाब से ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है, जो कि ये मैदान सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस मैदान में बिग बैश लीग के टोटल 54 मैच खेले जा चुके हैं, उनमें से फर्स्ट इनिंग्स में 26 मैच में बढ़त हासिल किए हैं, बाकी 27 मैच यहाँ पे चेस भी हुआ है। इसमें से एक मैच ऐसा भी उसका कोई रिजल्ट नहीं था। ये मैदान सिडनी सिक्सर की होम ग्राउंड है। इस मैदान की जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 155 देखने को मिला है तो भाई सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर 135 देखने को मिला है। दोनों इनिंग्स के बीच में जो एवरेज स्कोर का गैप है वो 20 रन का गैप है। इस मैदान में सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर भले ही कम हो, यहाँ पे डिफेंड मैच से एक मैच ज्यादा चेस हुआ है। लास्ट के जो बिग बैश के सीजन में इस वाली मैदान में टोटल 6 मैच खेले गए थे, उस 6 मैच में से यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 मैच में जीत हासिल किए हैं और वहीं पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 2 मैच में जीत हासिल किए हैं। अब यार बात कर लेते हैं पिच के बिहेवियर के बारे में। दोस्तों ये मैदान दोनों ही के लिए सुइटेबल है, बैटिंग और बॉलिंग। ये मैदान फास्ट बैटिंग टीम को हल्का सा ज्यादा फेवर करता है, जबकि ये मैदान बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए सुइटेबल है। यहाँ पे बड़ा मैच देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे 20 ओवर तक का जो एवरेज स्कोर 162-164 के करीब देखने को मिलेगा। अब यार चलिए बात करते हैं इस मैच की सेशन के बारे में। दोस्तों आपको पहले 6 ओवर का जो पावर प्ले का रहता है 40 से 44 रन देखने को मिलेगा, 10 ओवर तक का जो स्कोर 70 से 73 रन देखने को मिलेगा, 15 ओवर तक का जो स्कोर 115-17 ही देखने को मिलेगा, बाकी लास्ट 20 ओवर तक आपको 60 से 65 की स्कोर देखने को मिल सकता है। आपको एक सेफ स्कोर भी बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। ये स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे बना लेता है तो इस मैच को विन करने का चांसेस उसका बढ़ जाता है। वो सेफ स्कोर है दोस्तों 175। यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 175 की स्कोर बना लेता है तो उस मैच में उसका पकड़ थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब यार देख लेते हैं बाउंड्री के डायमेंशन को, ये छोटा बाउंड्री है या बड़ा बाउंड्री है। दोस्तों इस मैदान की बाउंड्री मीडियम रेंज की बाउंड्री है। यहाँ का जो स्ट्रेट बाउंड्री 76 मीटर का है, 72 मीटर यहाँ का ऑफ साइड है और यार 76 मीटर यहाँ का डीप मिड विकेट है। अब दोस्तों चलिए दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं, इनके कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिडनी सिक्सर की बात करेंगे तो इनके ओपनिंग में आपको दिखेंगे जोश फिलिप्स के साथ स्टीव स्मिथ, 3 पे कॉर्टिस पीटरसन, 4 पे मोइसेस हेनरी क्विस, 5 पे जॉर्डन सिल्क, 6 पे हेडन केयर, 7 पे डेनियल क्रिस्टेन, 8 पे बेन डिवर्सुइस, 9 पे सेन एथोनी एबर्ट, 10 पे स्टीव ओकीफ और आखिरी 11 नंबर में टॉड मर्फी खेलते हुए आपको नजर में आएंगे। सिडनी की प्लेइंग 11 को देखेंगे तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं डेविड वर्नर के साथ मैथ्यू गिलक्रिस्ट, 3 नंबर पे सैम बिटेमैन, 4 पे ओलिवर डिवाइस, 5 पे एलेक्स रॉस, 6 पे डेनियल सैम, 7 पे बेन कटिंग, 8 पे नथन मैकंड्रेव, 9 पे क्रिस ग्रीन, 10 पे ब्रेंडन डोकेट और आखिरी में उस्मान कादिर खेलते हुए आपको नजर में आएंगे। अब यार बात कर लेते हैं इन दोनों टीम की हेड टू हेड के बारे में। दोस्तों हेड टू हेड के हिसाब से इन दोनों टीम के बीच में लास्ट के जो 5 मैच खेले गए थे उसमें से सिडनी सिक्सर ने 5 के 5 मैच में विन कर चुके हैं। सिडनी थंडर्स को अभी तक इनके साथ सफलता नहीं मिला है। बाकी इनके हेड टू हेड में से 10 मैच को देखेंगे तो सिडनी सिक्सर ने 7 मैच में बढ़त हासिल किए हैं और सिडनी थंडर्स ने 3 मैच में बढ़त हासिल किए हैं। दोस्तों आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लॉस में हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम यार खुद भी खेलते हैं, आप और हम मिलकर खेलेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। बाकी हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में इन दोनों टीम में से इस मैच को कौन सी टीम विन करेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मुझे तो लगता है सिडनी सिक्सर इस मैच को विन करता हुआ दिखेगा। हमने तो यार हमारा विनर टीम दे दिए हैं, आपके मन में क्या है, आपका कीमती राय हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आज का वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक शानदार और लाजवाब के वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।